अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। 3-4 मेथड कंप्लीट कर लिए हमने, ग्रुप इंडेक्स मेथड और CBR मेथड, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, मॉडिफाइड CBR मेथड, ट्राइएक्सियल मेथड, ठीक है। अभी चौथा पढ़ते हैं और एक ट्राइएक्सियल मेथड, ठीक है। अभी चौथा पढ़ते हैं बर्मिस्टर मेथड। ये सारे मेथड हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, बर्मिस्टर मेथड क्या बोलता है, ये बर्मिस्टर मेथड भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को ही बताता है या फिर थिकनेस डिजाइन करने के काम में लेते हैं, ओके। अब बर्मिस्टर मेथड के लिए, अब ये किस पे बेस्ड है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ पेमेंट, मतलब जो पेमेंट है उसकी जो अलग अलग लेयर से, जैसे मान लो एक ये लेयर पेमेंट हमेशा लेयर्स में बनेगा, ठीक है। तो ये जो लेयर्स बनेगी उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब जैसे मान लो ये कोई भी लेयर है रोड की, ठीक है, इस पर कोई व्हीकल आया तो ये लेयर स्लाइटली यूं डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये यूं डिफॉर्म हो जाएगी लेयर, ठीक है, यहाँ पर कोई व्हीकल आ गया तो, ठीक है। अब जब ये व्हीकल यहाँ से वापस निकल जाएगा तो ये लेयर वापस यहाँ से इस तरह से हो गई, जब व्हीकल आया, ठीक है, जब ये व्हीकल यहाँ से निकल जाएगा तो लेयर वापस स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये लेयर इलास्टिसिटी है, इस लेयर में इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो इस टाइप की लेयर्स को इलास्टिक लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की लेयर्स पर बेस्ड है, ठीक है। अब इस बर्मिस्टर मेथड करने के लिए कुछ अजम्पशंस मानने पड़ते हैं, ठीक है। अजम्पशंस क्या है कि जो मटेरियल यूज करेंगे बर्मिस्टर मेथड के अंदर वो होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। मतलब होमोजीनियस मतलब कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आइसोट्रोपिक मतलब भी लीनियरली, जैसे इस डायरेक्शन में ये कोई मटेरियल है मान लो, तो इस डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, तो दैट इज नोन एज आइसोट्रोपिक। और होमोजीनियस मतलब जैसे ये कोई मटेरियल है मान लो, ये कोई एग्रीगेट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर के किसी भी पॉइंट पर उसकी हर एक डायरेक्शन में ही प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और लीनियरली इलास्टिक मतलब, तो जैसे कोई मटेरियल है मान लो, ये मटेरियल है कोई भी, ठीक है, जैसे अब पेमेंट डिजाइन करेंगे उसमें बहुत सारे मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये मटेरियल ये है, ये इतने सारे मटेरियल है मान लो। ठीक है, तो इसकी जितनी इलास्टिसिटी होगी उतनी ही इसकी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मतलब कि इस पर कोई व्हीकल आया तो इसकी लास्ट मान लो ये 3 mm डिफ्लेक्ट हो गया ये मटेरियल, तो ये वाला ये सारे मटेरियल 3 mm ही डिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसकी लीनियरली इलास्टिसिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, एक जैसी होनी चाहिए हर एक मटेरियल, कितनी भी हो लेकिन एक जैसी होनी चाहिए इसी सबकी, ठीक है। अगला है सरफेस लेयर इज इनफाइनाइट। दूसरा क्या बोल रहा है, जैसे हम कोई भी रोड डिजाइन करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में तो इनफाइनाइट होना चाहिए और इस डायरेक्शन में फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ये कोई रोड है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होनी चाहिए और विड्थ फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब कि ये इनफाइनाइट इसके मुकाबले में इनफाइनाइट, ठीक है। कोई भी रोड है ना इनफाइनाइट लेंथ का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी अर्थ ही फाइनाइट है तो रोड इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसकी विड्थ के रेस्पेक्ट में उसकी लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ये लेयर्स में रोड बनेगा तो ये लेयर्स हमेशा कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। ये लेयर उसके बिल्कुल टच होते हुए दूसरी लेयर, उनके बीच में कोई और एयर या फिर और कोई मटेरियल यूज नहीं होना चाहिए, हर एक लेयर कंटिन्यूस टच में होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे अजम्पशंस इसमें मानते हैं, 3-4 अजम्पशन है वो मानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर वही दिखा रखा है, ये कोई पेमेंट है मान लो, ठीक है, उसकी बॉटम लेयर सब ग्रेड है, उसके ऊपर पेमेंट डिजाइन कर रखा है, तो देखो इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में वो फाइनाइट होना चाहिए। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना आप, कि यंग्स मॉडुलस ऑफ पेमेंट इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड, बराबर भी नहीं हो सकते, हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ई पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई एस, ठीक है। अब देखो इसको डिजाइन करने के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये कोई रोड है, इस पर कोई व्हीकल आया तो इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, दो फॉर्मूले दे रखे हैं इसमें। पहला फॉर्मूला क्या दे रखा है, रिजिड प्लेट मेथड या फिर प्लेट लोड के लिए।
अभी क्वेश्चन करेंगे उसे ठीक से समझ आ जाएगा। पहले फॉर्मूला सुन लो कि क्या है। अगर कोई रिजिड प्लेट मेथड या फिर प्लेट लोड के लिए पेमेंट डिजाइन करने के लिए बोले तो उसके लिए ये उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो इतना होगा, डेल इज इक्वल्स टू 1.18 पी स्मॉल पी डॉट ए डिवाइडेड बाई ई एस डॉट एफ टू। यहाँ पर पी क्या है मैंने पहले पिछले वाले लेक्चर में पता, बस यहाँ पर दो चीज़ नहीं आई है, ठीक है। एक तो डेल नहीं आया है और एक एफ टू नहीं आया है। तो डेल तो क्या है, देखो यहाँ पर डेल क्या है, डिजाइन डिफ्लेक्शन है, और एफ टू क्या है, एफ टू डिफ्लेक्शन फैक्टर है, ठीक है। और जो दूसरा है, अगर वो व्हील लोड के लिए या फिर फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड के लिए डिजाइन करने के बोले तो रोड में डिफ्लेक्शन कितना होगा, 1.5 स्मॉल पी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए डिवाइडेड बाई ई एस डॉट एफ टू। ओके, यहाँ पर देख लो ये सारी चीज़ें, पहले कि डेल नहीं आया है, ठीक है, डिफ्लेक्शन डिजाइन डिफ्लेक्शन नई चीज़ आई है, स्मॉल पी क्या है, टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर था पहले बता दिया पिछले वाले लेक्चर में, ए क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है, ठीक है, ई एस क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब ग्रेड है, और एफ टू एक नई चीज़ ये आई है, ठीक है, दो चीज़ नई आई है, ये क्या है, डिफ्लेक्शन फैक्टर है। अब एक ग्राफ है, आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें एक ग्राफ देता है, ठीक है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, एच अपॉन ए और एफ टू। एच क्या है, यहाँ एच क्या है, एच है थिकनेस ऑफ पेवमेंट, ठीक है, एच क्या है थिकनेस, पहली चीज़ें देख लो क्या क्या है, एफ टू डिफ्लेक्शन फैक्टर है, एच क्या है थिकनेस ऑफ पेवमेंट है, ए क्या है रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया है, ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब ग्रेड, और ई पी क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट, ठीक है, वही पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ देगा आपको किस किस के बीच में, एच बाई ए के और एफ टू के बीच में डिफ्लेक्शन फैक्टर एंड एच अपॉन ए के रेस्पेक्ट में ग्राफ देगा जब भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलेगा तो, और उस पर ई एस अपॉन ई पी का रेशियो देगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ई एस अपॉन ई पी का रेशियो 1 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है, यहाँ पर 1/10 है, यहाँ पर 1/20 है, ठीक है, इस तरह के तरीके से ग्राफ देगा वो। और इसमें क्या, इसमें स्पेशल बात क्या है, इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में स्पेशल बात क्या है कि किसी भी दो पैरामीटर्स का, जैसे मान लो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ई एस अपॉन ई पी निकल के आएगा, ठीक है, या फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एफ टू निकल के आएगा, ठीक है, या फिर आप एफ टू को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा। मतलब कि ये तीन पैरामीटर है ना, एफ टू, एच बाई ए और ई एस अपॉन ई पी, इन तीनों में से आप किसी भी दो को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो तीसरे के बराबर होगी, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, यही चीज़ यहाँ बोल रखा है। देखो किसी भी दो को आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी दो को, तो जो निकल के वैल्यू आएगी वो तीसरी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, ये चीज़ बता दी मैंने। हाँ, एक नोट देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है कि आप जब भी रिजिड प्लेट टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसके लिए सब ग्रेड के लिए थिकनेस हमेशा जीरो लोगे, ठीक है, जीरो लोगे हमेशा रिजिड प्लेट टेस्ट के लिए, हमेशा थिकनेस ऑफ पेवमेंट और थिकनेस ऑफ पेवमेंट सब ग्रेड के लिए जीरो लोगे, ठीक है। और क्या है कि उसके लिए एच अपॉन ए ये जीरो लोगे, ठीक है, अगर थिकनेस जीरो है तो एच अपॉन ए तो सीधा जीरो हो ही जाएगा क्योंकि एच जीरो है, ठीक है, तो वहाँ पर ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू 1 होगी और करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन फैक्टर भी 1 होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना रिजिड प्लेट टेस्ट के लिए अगर आप परफॉर्म करो तो। अभी एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, प्लेट बियरिंग टेस्ट इज कंडक्टेड विद प्लेट बियरिंग टेस्ट, देखो प्लेट बियरिंग टेस्ट, हाँ प्लेट बियरिंग टेस्ट इज कंडक्टेड विद 30 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट, देखो डायमीटर प्लेट की डायमीटर, ये प्लेट के लिए बोल रहा है, इसका मतलब पहला वाला फॉर्मूला यूज आएगा, ठीक है, रिजिड प्लेट मेथड का प्लेट लोड के लिए, ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है, तो ए क्या हो गया, ए आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, डायमीटर 30 है तो ए रेडियस क्या हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ऑन ए सोइल, आगे पढ़ो, ऑन ए सोइल सब ग्रेड यील्डेड अ प्रेशर ऑफ 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि स्मॉल पी की वैल्यू आपकी 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है, आगे पढ़ो, एट 5 mm डिफ्लेक्शन, और डेल की वैल्यू आपकी 5 हो गई, ठीक है। अभी यहाँ तक सोल्व करो आप क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले, ठीक है, जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे, ठीक है, कंडक्टर प्लेट लोड के लिए करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है, 1.18 स्मॉल पी ए अपॉन ई एस एफ टू, आपको रेडियस दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, डेल दे रखा है, एफ टू दे रखा है, ठीक है, सब चीज़ें दे रखी है,
एक आपको F2 F21 लोगे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था रिजिड प्लेट टेस्ट के लिए, आप रिजिड टेस्ट प्लेट टेस्ट के लिए आप परफॉर्म करोगे अगर, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन फैक्टर 1 लोगे, मैंने बता रखा था पहले, अभी जो नोट में बताया था मैंने इससे पहले, ठीक है। अब सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे फॉर्मूले में, तो आपका ES यंग्स मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द टेस्ट इज कैरिड आउट ओवर 18 सेंटीमीटर बेस, मतलब कि एज की वैल्यू आपकी 18 है। आगे करेंगे तो स्टेप नंबर 2 देखो, ठीक है। एज की वैल्यू 18 सेंटीमीटर बेस कोर्स यील्डेड अ प्रेशर ऑफ 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ पर स्मॉल पी की वैल्यू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 85 mm डिफ्लेक्शन, और डेल की वैल्यू 5 mm है, ठीक है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 यहाँ तक सोल्व करते हैं। ये चीज़ें वैल्यू दे रखी है आपको, एच पी और डेल दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक अपना हो गया। अब आगे क्या दे रखा है आपको, एज की वैल्यू दे रखी है 18 है, ठीक है, ये 18 है, ओके 18 दे रखा है, स्मॉल पी दे रखा है, डेल दे रखा है आपको, ठीक है। अब आप वापस वही प्लेट लोड के लिए बोल रहा है वो, ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला वापस वही फॉर्मूला लगाओगे, डेल इजिकल्स टू 1.18 पी ए ई एस इंटू एफ टू। अब आपके पास इसमें क्या नहीं है, आपके पास सारी वैल्यूज है, ठीक है, सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे वापस, देखो ये ई एस की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो ई एस की वैल्यू यहाँ से उठाओगे, ठीक है, ई एस की वैल्यू यहाँ से उठाकर आप रख दोगे, ठीक है। एफ टू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 0.02, जब इसको सोल्व करोगे इसमें आप इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए आपको एक वैल्यू नहीं है ई एस, वो ई एस आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एफ टू आ जाएगा। तो अब आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब भी बर्मिस्टर मेथड के लिए, तो आपको एक ग्राफ देगा, उसमें ग्राफ में वैल्यूज बता के रखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से हमने क्या देख लिया, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ग्राफ से हमने क्या देख लिया, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल्स टू 1/100 रहेगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे आप, ये ई एस की वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ से ई पी की वैल्यू आ जाएगी 3500। अब देखो यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है, ये तो मैंने बताया था कि ई पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई एस, देखो यहाँ पर 35.4 है ई एस और ई पी 3540 है, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा है, तो ये बात सही है, मैंने बताया था कि ई पी ऑलवेज ग्रेटर देन ई एस, ठीक है। अभी आगे सोल्व करते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है तो डिजाइन करो, डिजाइन अ पेवमेंट सेक्शन, तो एक सेक्शन डिजाइन करो फॉर अ व्हील लोड। अब यहाँ व्हील लोड की बात आ गई, ठीक है, व्हील लोड मतलब आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, और व्हील लोड आपको देख कितना रखा है 4100, मतलब ये आपका कैपिटल पी दे रखा है, ठीक है, विद टायर प्रेशर ओ, और स्मॉल पी क्या दे रखा है, ये टायर प्रेशर इतना देगा, अलोवेबल डिफ्लेक्शन डेल, और डेल आपका क्या दे रखा है 5 mm दे रखा है, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करोगे आप, तो कैसे करोगे, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, अब आपको कैपिटल पी दे रखा है, जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे व्हील लोड के लिए, ये फॉर्मूला बताया था मैंने 1.5 पी ए ई एस इंटू एफ टू अपॉन ई एस इंटू एफ टू, आपके पास पी है, डेल है, ई एस है, केवल आपके पास सॉरी आपके पास ए नहीं है, एक ए नहीं दे रखा, तो ए कैसे निकालोगे आप, मैंने ये पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था कि टायर प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हील लोड डिवाइडेड बाई एरिया बाई ए स्क्वायर। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, स्मॉल पी की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, तो इसको जब सोल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, और इसको इधर उधर करके सोल्व करोगे जब, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 14.75 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू आप यहाँ यूज कर लेना ए की जगह, ठीक है। जब इसको वापस सोल्व करोगे तो आपके पास एफ टू की वैल्यू आएगी 0.133, ठीक है। और आप जो को जो ग्राफ देगा, इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है, आपको जो ग्राफ देगा उसमें आपने ये वैल्यू मानी थी, ये एस बाई ई पी की वैल्यू 1/100 होनी चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग एच अपॉन ए की वैल्यू भी वो देगा आपको ग्राफ में, ठीक है। तो जब एच अपॉन ए की वैल्यू आपको ग्राफ में देगा 1.9 देगा वो, ठीक है, ग्राफ में देगा ये वैल्यू, तो इसको सोल्व करोगे तो एच इज इक्वल टू, ये आ गया, तो एच इज इक्वल टू 1.9 ए, और ए की वैल्यू आपकी अभी निकल कर आई थी, ए की वैल्यू क्या निकल कर आई थी आपकी, ये थी 14.74, ठीक है। आप यहाँ पुट कर देना वैल्यू को, और जब इसको सोल्व करोगे थिकनेस ऑफ पेमेंट क्या जाएगी आपकी व्हील लोड के लिए, ठीक है, आपको रिज प्लेट लोड के लिए आपको थिकनेस दे रखी थी, तो आपको पेमेंट व्हील लोड के लिए आपके कितने आ गए, एच इज इक्वल्स टू 28.025 सेंटीमीटर, ओके। एक बार वापस देखो लेक्चर को, समझ आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिजिड पेमेंट, ठीक है।
ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सारा कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। आप जहाँ भी कोचिंग करो कहीं भी कोचिंग कर लेना, ठीक है। इससे अलावा कुछ भी नहीं बताएंगे वो, टोटल टॉपिक ये कि ये ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे। अगर वो एक दो चीज़ ज़्यादा बता दें तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो एक दो चीज़ कम भी बताएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा IAS गेट PSU में इससे ज़्यादा सिलेबस कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगला अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।